दोस्तों आज है 27 जनवरी एक दिन हो चुका है 26 जनवरी मनाते हुए यहाँ पर भी कनाडा में 26 जनवरी मनाया गया इंडियन कौंसिल्स वगैरह में यहाँ पर वो फ्लैग वगैरह करते हैं तो और मैंने भी एक्चुअली डिबेट जो सॉरी जो चलती है आपकी आ, परेड कहाँ से डिबेट परेड चलती है जो वो भी मैंने देखा दिल्ली में सो आई इन्जॉय ट्वेंटी यू नो जनवरी डे और लाट आई एव बीन वॉचिंग दिस परेड फॉर मेनी ईयर्स जब मैं छोटा होता था तब से मैं देखता हूँ और एवरी ईयर आई वॉज दिस यू नो ऑन द ऑन द टी वी आज हम बात करते हैं अजय से अजय ये जो थे पहले इनसे एक बार भी पता तो नहीं एक महीने पहले या डेढ़ महीने पहले हमारी बात हुई थी तो इनका केस लगा था स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू का इनका इंटरव्यू भी आया था और इंटरव्यू की ट्रेनिंग वगैरह हमने करी थी कोशिश करी थी कि भाई इनको सही हो जाए और इंटरव्यू देकर आए और इन्होंने अपना एक फीडबैक भी दिया था कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए और आज कुछ नई कुछ चेंजेस आए हैं इनकी फाइल में तो इंटरव्यू तो अच्छा हुआ इनका लेकिन इंटरव्यू के बाद फिर आज एक इनको एक एक नया लेटर आया है आओ देखते हैं कि क्या लेटर आया है क्या क्या सिचुएशन है बहुत सारे स्पाउस वीजा केसेस हैं जो पेंडिंग है इस वक्त कैनेडा में आई थिंक मोर देन हंड्रेड थाउजेंड मे बी एक लाख सवा लाख से ज्यादा होंगे केसेस सिर्फ मैरिज स्पॉन्सरशिप केसेस मैं स्टूडेंट वीजा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्पाउस वीजा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसी और वर्क परमिट की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ जो मैरिज स्पॉन्सरशिप केसेस जहाँ पर सो so स्पॉन्सर है कनाडा में और दूसरा स्पाउस है इंडिया में कहीं और पे वहाँ के इतने सारे केसेस पेंडिंग है इट इज माइंड बॉगलिंग गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हैज नो यू नो इन्वेंटोरी सिस्टम टू यू नो गेट दम रोलिंग क्वाइट फास्ट इनफ और स्पाउसिस uh, uh, दूसरी तरफ इधर उधर परेशान कर रहे हैं तो uh, देखते हैं क्या क्या सिचुएशन है क्या डॉक्यूमेंट आया अजय आपको आवाज आ रही मेरी ठीक yes, सर जी कहाँ पर है अजय कहाँ रहते हैं आप अभी पंजाब में कहाँ पर हैं जलंधर में शायद जी 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 आपकी आवाज थोड़ी आ नहीं रही जोड़ा जोर से बोले शायद में. जी आपका इंटरव्यू हुआ था इंटरव्यू के टाइम लग रहा था कि सब कुछ आ, आ, हो जाएगा कि भी की वीजा आने वाला है और फिर उन्होंने कुछ और और कुछ मांग लिया अभी वो क्या मांगा क्या चक्कर है उसका इनकी दो रिक्वेस्ट आई है वन इज द मेडिकल

ये जब आपने फाइल किया था तब आप इंडिया में थे ऑफ कोर्स आप इंडिया में थे और आपकी स्पॉन्सर कैनेडा में थी और उस तारीख से जिस दिन आपकी फाइल गई है जो भी डेट थी उस टाइम से लेकर अभी तक आ, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है या एक्टिविटी हिस्ट्री है जो भी कुछ है दे आर मच द सेम और उसमें कोई चेंजेस हुए हैं okay. सेम है बैकग्राउंड uh, डिकलेशन का जो जो फ़िलासफ़ी है जो उसका जो स्पिरिट है इस इस एप्लीकेशन फॉर्म के एंड आई एम नॉट सरप्राइज एक्चुअली कि उन्होंने आपसे फिर मांगा ये uh, जब से आपने इस्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन फाइल करी है उस टाइम से लेकर अभी तक शायद अगर कोई चेंजेस हुए हैं हो सकता है किसी के पास नई जॉब हो हो सकता है कोई दूसरी कंट्री में रह रहा हो हो सकता है कि ही मे बी हैव बीन स्टूडेंट ऑफ समथिंग तो उसका हमारा ये पर्पज़ ही होता है कि स्केड्यूल एक आप दोबारा से Uh, करो और ये देखिए लिखा हुआ है अपडेटेड टू सी लिखा स्क्रीन आवाज आ रही है आपको आपकी आवाज थोड़ी कट जाती है बीच में थोड़ा सा अगर जोर से बोलेंगे सही तो अपडेटेड टू प्रेजेंट मतलब कि कि ये है कि, uh, till now. Till now means आपका या तो होता है ये जब आप 18 साल की एज हो, होते हैं 18 साल की एज से लेकर अभी तक तो आप कनाडा में भी रहे हो कुछ टाइम Uh, तो वो और uh, फिर उसके बाद ऑल द वे टिल नाउ स्टिल आज अगर आप भरते हो तो आज तक तो ये वो मांगते हैं कि देखते हैं कि भाई आपकी कोई और कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसी कोई चक्कर तो नहीं हो गया मे बी यू आर कन्विक्टेड या यार आपके कोई पुलिस चार्ज है या मे बी मेबी ड्रंक ड्राइविंग और यू आर रिफ्यूज फॉर सम वीजा फॉर अमेरिका इन द मीन टाइम और फॉर सम डिफरेंट कंट्री और वट एवर सो जो भी कोई एडमिसेबिलिटी होती है जो उसको चेक करने के लिए ये बैकग्राउंड डेक्लेशन फॉर्म मांगते हैं मेरा तो सवाल आ, वीजा ऑफिसर से यह था कि भाई आपने जब इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया तो तभी आप बोल यार, भर के ले आओ अगर आपने जब इंटरव्यू के लिए बुला लिया था तो तक इंटरव्यू में कुछ हम बातें पूछेंगे तो तभी बोल लेते हम हम भर के तभी ले आते आपने तब पूछा नहीं और अब आप कह रहे हैं ठीक है हम भर के दे देते हैं इसके बाद मतलब कि फिर एक एक आध महीने का और लंबा खिंच जाएगा जो वीजा आज मिलना था उसके यू नो यू आर लुकिंग एट मोर टाइम दूसरा दूसरा भी देखें नीचे पुलिस सर्टिफिकेट भी है वो वो आ, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में तो आप रह रहे हैं तो आ, आ, मतलब के पुलिस क्लियरेंसेस आपके जो आपने पहले दिए होंगे वो भी आपने कहा कि 2019 में आपने फॉर्म भरा था सारा तो अभी भी शायद अगर कोई चेंजेस हो गया तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा नॉर्मली पुलिस सर्टिफिकेट जो होता है इट मस्ट बी इशूड इन द पास्ट सिक्स मंथ्स और अगर आप जैसे किसी दूसरी कंट्री में छोड़ के आए हैं और वहां से आ गए हैं जैसे कई लोग दुबई में काम करते हैं फिर वापस इंडिया आ गए तो आप उस कंट्री में गए नहीं तो उसका दोबारा मांगते नहीं है लेकिन आप इसी कंट्री में अगर रह रहे हैं सो द वीजा ऑफिसर डज नॉट नो कि फ्रॉम द टाइम ऑफ टू थाउजेंड उस समय पुलिस सर्टिफिकेट मांगा था दिया था आपने जी सर जी सर जी हाँ उस समय मांगा, मांगा था तो तब से लेकर अभी तक तीन साल में क्या चेंजेस हुए हैं ये भी वीजा ऑफिसर को मालूम नहीं है क्या पता आई एम नॉट नॉ दैट यू क्या पता कि आपकी कोई चार्जेस हों पुलिस केसेस हों कुछ ऐसा कोई कोई बातें हैं जो हो सकता है कि ये हमारी क्रिमिनल इन एडमिनिस्ट्रिटी को टच कर जाए कनाडा के लिए कोई सेक्शन 36 लग जाए कुछ और भी लग सकता है तो ये इसके लिए पुलिस सर्टिफिकेट फिर आपसे मांगते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें इन्होंने एफ का क्यों कहा अमेरिका तो गए नहीं आप शायद गए नहीं इंडिया एंड और नहीं, नहीं और, और तो मैं समझ गया लेकिन आप आप अमेरिका कभी गए हो कि नहीं नो no, सर नो no. अच्छा अच्छा तो ये जनरल कॉपी पेस्ट करके डाल दिया उन्होंने कि अगर कोई अमेरिका गया तो अमेरिका का भी लेकर आए तो मेरे को लगा शायद आपका अमेरिका का कोई चक्कर है आना जाना है कोई यहाँ पर FBI का तो है तो इसको तो okay, आप इग्नोर कर दो तो स्केजूल ए का कोई डरने वाली बात नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन आप भर दो स्केजूल ए को आपने देखा आपके पास पता ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जी सर

अगर सपोज अगर आज मैं लिखता हूँ कि मेरे पास कोई यस uh, yes, yes you know, uh, ये नो ये देखो जैसे ये क्वेश्चन है इंडिया में मेरा कोई कन्विक्शन हुआ है पुलिस चार्ज हुआ है चार्जेस हुआ है कुछ है अगर मैं यहाँ एस yes लिखता हूँ तो मेरी फाइल एकदम से घूम जाएगी कि भाई अभी पता करें कि इसका सेक्शन ऑफ चार्जेस क्या है तो उसको भी देखते हैं कि इक्वल टू कैनेडा क्या है तो यहीं पर आपका क्रिमिनल इन एडमिनिस्ब्रिटी के चक्कर शुरू हो जाएंगे ये देखिए अगर आप और किसी और कंट्री में कैन अगर आप तीन साल से अगर आप किसी और कंट्री में अप्लाई कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल एक्स कंट्री एक्स में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो ये आपको येस लिखना पड़ेगा तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसाइसिव क्वेश्चन अबाउट यू नो क्रिमिनल इन जेनोसाइड वॉर आर्म स्ट्रगल ये वो कई लोग कहते हैं जी हम फलाने पॉलिटिकल पार्टी में है जी हम इसके लिए हम लड़ रहे हैं हमें ये दिया जाए वो दिया जाए देखिए इसमें कई बात कई पार्टी में होता है कि मैं नाम नहीं देता हूँ किसी का लेकिन आर्म स्ट्रगल करते हैं वायलेंस होती है उसमें तो अगर इसमें किसी का किसी का मेम्बरशिप है तो उसमें यस है तो एकदम से आपकी फाइल आ, फाइल का चक्कर घूम जाएगा आपका कि भाई इसको वीज़ा दें कि नहीं दें वगैरह वगैरह ऐसा हैव यू बीन डिटेन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जे जी हैव यू बीन डिटेन्ड इनकार्सोरेटेड ऑपोट इन जेल ये तीनों अलग, अलग 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 ये हैं ये वर्ड्स हैं इनको आप चेक कर लें गूगल पर इनका मतलब क्या है डिटेंशन का कुछ और मतलब है इनकार्सोरेशन कुछ और चीज़ होती है और वो जेल में जाना कुछ टाइम के लिए कुछ और चीज़ होती है इनके अलग अलग, अलग लीगल मीनिंग्स हैं अगर किसी का इनमें से कहीं हुआ है तो अगर येस लिखता है इस दौरान तो उसका वीजा एकदम से रुक जाएगा मतलब थोड़ा एनालिसिस में आ जाएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन बाकी तो सब ठीक है एजुकेशन आपकी तो कोई ज्यादा है नहीं उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है पर्सनल हिस्ट्री पर्सनल हिस्ट्री में क्या है कि आपको सिंस द एज ऑफ एटीन और द पास्ट टेन ईयर्स विच एवर मोस्ट रिसेंट आपको सारे के करके आपको बताना आप पहले भी फॉर्म भर चुके हो तो आपको कोई एक्टिविटी छोड़ दिन है कई बार फॉर्म्स वापस आ, आ जाते हैं कि आपने ये कोई कोई महीना छोड़ दिया बीच में या कोई इवन कोई बहुत ही आप सोचते कि इस ये बताने की क्या जरूरत है हम तो जी अनएम्प्लॉयड थे उस वक़्त तो हम क्या बताएं छोड़ो तो आपको सब यहाँ बताना है और बाकी तो मेंबरशिप है दिस इज वेटी मच नॉट अ बिग इशू फॉर यू मेंबरशिप गवर्नमेंट एंड मिलिट्री यू नो सर्विस दैट्स ऑल वेटी मच गुड एड्रेस हिस्ट्री आपको लिखनी है तो ये सब चेंजेस हो चुके होंगे अगर शायद अगर कोई हैं चेंजेस तो वो आपको सारा भरना है इसको आपको प्रिंट करके आप इसको इमिजिएटली आप इसको एम्बेसी को भेज दें

गिव इन पेरोल यू नो अप्रूवल और उसका वो लेटर uh, बोल देना कि सी अटैच और साथ में अटैच कर देना कोई चक्कर नहीं और आपके एक पुराना एक आपके पास वो पी एफ एल भी है पुराना जो उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी अटैच कर सकते हो सामने क्यों देनो। uh, तो इस दे नो तो इट्स नॉट अ बिग इशू इट्स ऑलरेडी इन दिस्टम uh, बड़े है बड़े मजे की बात यह है कि सिस्टम में सब कुछ होता भी है लेकिन फिर कहते हैं फिर लिखो फिर दो फिर दो फिर दो विच इस i don't know i don't believe that uh, they want to do this it's just a clerical thing you know so there's one more question uh, in the below page where we have to enter our this uh, uh, address detail that in last 10 years i right? 2012 2012। तो जो भेजेंगे, उसको पर लिखें कि जैसे पहले गया है वैसे भेज दें नहीं प्रॉपर का मतलब ये जो फैक्चुअल है ये आपकी हिस्ट्री पूछ रहे हैं आप कहाँ कहाँ रहे हो रहे हो मतलब कई बार लोग सोचते हैं कि वहां का शो कर दें मेरे को लो, कई लोग कहते हैं कि जी पासपोर्ट पे तो वो एड्रेस था मेरे एजेंट ने कहा थी जी वहाँ का शो कर दो जी क्या पता वही चलने रहने दो वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रहेगी मैं ये सब बातों को बिलीव नहीं करता हूँ और मेरे मेरा जो इसमें जो फैक्चुअल जो कंक्लूजन है इस ये क्वेश्चन में जो एड्रेस लिखा हुआ है सामने इसमें यह है कि जो फिजिकली आप जहाँ रहे हो या आप किराए के मकान में रहे हो अपना मकान है कहीं बोर्डिंग में कहीं होटल में कहीं भी जहाँ भी आप रहे हो जो फिजिकली उस जगह में आप रहे रहे हो हो और 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 उसके बारे में हमें लिखना लिखना चाहिए यहां पर और इसके अलावा कोई 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 हमारे और, और कुछ कुछ नहीं 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 चलेगा तो पीओ बॉक्स बॉक्स मेलिंग ऐसे केयर ऑफ फॉरवर्डिंग एड्रेस ऐसा कुछ नहीं। जो फिजिकली आप रहे वो लिखना है right, so राइट सो था इन विल अजय जो भी सच्चाई है वो लिखना सच्चाई के अलावा कुछ नहीं लिखना यहाँ पर जो सच्चाई है जो, जो, जो त्रुत है वो ही लिखना है यहाँ पर आपने जो पुराने फॉर्म में जो लिखा था नहीं डोंट वरी अबाउट मैच कर रहा है नहीं कर रहा आपको okay. यहाँ पर जो क्योंकि दीज थिंग्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड एंड वेरीफाइड और यहाँ पर अगर अगर हमने थोड़ा सा भी 19-20 का फ़र्क कर दिया कि हम सोचे कि हम बहुत चाहते हैं जी हम किसी को क्या मालूम पड़ेगा तो यहाँ पर बहुत बड़े फंस सकते हैं और इसमें अगर हो गया तो पाँच साल के लिए मे का बैन भी लग सकता है तो जो सच्चाई है जहाँ जहाँ आप फिजिकली रहे हो फेट अबाउट कि आपकी वाइफ ने क्या लिखा जो सच्चाई है वो लिखो अगर पुराने फॉर्म से थोड़ा सा भी 19-20 का फ़र्क होता है तो साथ में एक नीचे एक लाइन लिख देना कि दिस इज दी लेटेस्ट एंड फाइनल इंफॉर्मेशन अगर जो पुराने उसमें, उसमें कुछ है तो दैट मे है मिस्टेक्स एंड यू नो जो भी कुछ है फिगर दिस की कितनी मिस्टेक है नहीं है पर इसमें अभी का जो अभी आप जो फॉर्म भरना है इसमें आपको हंड्रेड परसेंट फैक्ट्स लिखने एक एक तो ये जो बॉक्स है ट्वेल्थ बॉक्स है एड्रेस वाला और ये दूसरा बॉक्स है ये वाला आपका कहा गया ऊपर ये नंबर एट आ, जितने भी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं ये बैकग्राउंड टेक्लोरेशन के ये क्वेश्चन नंबर एट और ट्वेल्व इसके बेस पे रिजेक्ट हो जाते हैं कि भाई इनकम्प्लीट है कई बार लोग मेरे से कई कह, बार आ, लोग सोचते हैं कि जी हमारे पास कुछ लिखने को है ही नहीं जी हम कुछ करनी ऐसे तो विल सी कि जी ऐसे अनएम्प्लॉयड सा को ना दी जॉब ने कुछ नहीं ऐसी चढ़ दो कि लिखना है नहीं इस फॉर्म में आपको अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो उसमें लिखना है मैं कुछ नहीं कर रहा था इतने टाइम से इतने टाइम तक इस साल से इस साल मैं कुछ नहीं कर रहा था ये भी आपको लिखना है जी ये चक्कर है तो फॉर्म भरें इसको फॉर्म भर के आप आ, करके इसको जल्दी आप भेजें और मेडिकल करा के भेजें और आ, फिर आ, देखते हैं क्या होता है आगे पर आ, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एनी सिस्टम पर यही सब आपको इंटरव्यू के टाइम और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं अभी जो कैंसर हो, अभी जो हुए हैं पीछे तो इसमें अगर वो पहले ही बोलते हैं जो 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 है। you know, है। तो कृपया करके आप ये फॉर्म दोबारा भर के ले आए भाई साहब तो टाइम बच जाता लेकिन उसके बाद आपका इंटरव्यू हुए भी एक महीना हो चुका है ना मेरे ख्याल एक दो डेढ़ महीना हो गया सर इतना वो गया हो गया सर डेढ़ महीने से ऊपर हो गया हाँ तो डेढ़ महीने का टाइम ऐसी वेस्ट नहीं होता अगर उस वक्त ही हम भर के अगर वो मांगते तो दे देते दे पर आ, क्या कह सकते हैं वी हैव टू फॉलो हमें वीजा चाहिए ना उनके सामने हमें नतमस्तक होना पड़ेगा कि भैया और बताओ क्या चाहिए हम वो भी देने को तैयार हैं आपको सही है जी थी सर ठीक है मैं आपको एक और केस दिखाता हूं आपको हैरानी होगी अगर आपको इंटरेस्ट आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं कि नहीं रह गए नो सर दिस वाज इट कुछ तो uh, नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ आपको आपको भी बड़ी हैरानी होगी आजकल जो केसेस बहुत आ रहे हैं जो स्पाउस केसेस के इंटरव्यू जो आते हैं वगैरह वगैरह आते हैं तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ मे बी यू मार्केट टूडे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कुछ जी yeah, सर स्पॉन्सरशिप के जी 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 ये केस हम लोगों ने फाइल किया था आप देखिए मे 2019 को मेरी फर्स्ट मीटिंग होती है पंजाब में लुधियाना में आया हुआ था उस टाइम मेरी फर्स्ट मीटिंग होती है और एप्लीकेशन को तैयार किया गया और अगस्त में इसको सबमिट हुआ कनाडा में सिडनी में दो महीने बाद फाइल नंबर इशू हुआ अक्टूबर 2019 में नजर आ रहा है ना आपको पूरा सारा वो टाइमलाइन जी जी इंटरव्यू आया दो साल बाद आपका इंटरव्यू कितने दिन बाद आया था मेरा दो साल बाद आया साल तो दो साल लग जाते हैं कई लॉयर्स ऐसे कहते हैं जी आपका किस कर देंगे जी कर देंगे जी एक साल में हो जाएगा एक साल की टाइमलाइन लिखी हुई है एक्चुअली वेबसाइटों पे लेकिन एक साल आपके सामने होता है है दिख रहा है कोई नहीं होता दो साल बाद इंटरव्यू आया और इंटरव्यू था एक महीने बाद जनवरी 20 के टाइम करीब मैंने डेट को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जिससे कि लोग थोड़ा सा परेशान ना होए कि भी एग्जैक्टली कोई और प्रॉब्लम ना कर दे कोई तो हो सकता है कि इंटरव्यू जनवरी 19 को आया और 20 या 21 किसी को आया मतलब ऑन द ऑन द होल ये 30 डेज बाद इंटरव्यू आता है तो 30 दिन बाद का इंटरव्यू था लेकिन पाँच दिन पहले एक हमें मैसेज आता है कि आपका इंटरव्यू कैंसिल हो गया आ, समझ रहे हैं आप जी जी इंटरव्यू हमारा कैंसिल हो गया और सबका कैंसिल हो रहा था मैंने कहा भाई ठीक है भाई आपकी मर्जी आप माय बाप हैं बाका हैं आप कैंसिल कर सकते हैं ठीक है हमें कोई बात नहीं हम इसकी तैयारी हम कर रहे थे जैसे इंटरव्यू की हमें कुछ करनी है तो हम आगे इसको पोस्टपोन कर रहे कोई चक्कर नहीं जब कैंसिल होता है इंटरव्यू और उसके करीब नौ दिन बाद एक फिर मैसेज आता है कि आप मेडिकल करा के दो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ पहले तो आप कह रहे थे इंटरव्यू के लिए हमेशा क्या इंटरव्यू करना है अब कह रहे हैं कि उसी इंसान जो लेटर आपको आया कि मेडिकल करा के दो वो ही वैसा ही मैसेज आया है कि मेडिकल करा के दो तो, तो। और उसके अगले दिन बाद एक मैसेज आता है कि योर पी आर इज अंडर प्रोसेस और उसको एक ई भी आती है कि एक आप अपनी तैयारी शुरू कर दें जिसको कहते हैं कि सेटलमेंट ईमेल मेल आपने देखिए वो ईमेल मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ईमेल वैसे दिखा देता हूं आपको मैं आपको ये भी वो दिखा देता हूँ है मेरे पास है कहीं सेफ हो ये देखिए

कि आपकी जो प्री अराइवल करना ये मैसेज देने की जरूरत क्या है जैसे आपके भी उसमें आ, आप आपके भी इसमें अभी बैकग्राउंड मांग रहे हैं फिर मेडिकल मांग रहे हैं तो आपको दो साल पहले आपको प्री अप्रू प्री अराइवल देने का पर्पस ही क्या है इस ये तो मैसेज हम तब आ, सोचते हैं कि आना चाहिए या आ, आ, पहले आता था कि जब वीजा मिलने में बस कुछ टाइम रहता है जैसे मैं भी एक महीना समथिंग वटेवर एवरीथिंग एड चेक होती है जब क्रिमिनल एडमिसबिलिटी मेडिकल एंड एडमिसबिलिटी वो सब जब चेक हो जाती है जब क्लियर हो जाता है तो वी होप दैट कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ अप्रूवल है एज और फिर ये ई पहले आती थी स्पेशली एक्सप्रेस एंट्री वाला में कि आप अपना अराइवल uh, का सेटलमेंट का वो कर लें अब ये ई आई है मेडिकल uh, के एक दिन के बाद अब हम ये ये क्या से हम ये समझे आपकी पहली स्टेज ऑफ अप्रूवल आपने ऑलरेडी सोच रहे हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं नोबड़ी कैन प्रोडिक्ट पहले तो आप कह रहे थे कि हमें दस दिन पहले इंटरव्यू होना था इंटरव्यू का कैंसिल हो गया इंटरव्यू का कैंसल का मतलब यह है कि आप पोस्टपोन कर रहे हैं कि आपको करना ही नहीं है और अगर करना था तो फिर ये प्री अराइवल की देने की क्या जरूरत थी so 2020, I got my pre In February 2020 2020 In ये, ये बहुत ही, बहुत ही हो सकता है, मेरे को ये लग रहा है कि कोई ना कोई अब पता नहीं कितने सीनियर लेवल के अफसर वहाँ काम कर रहे हैं छोटे लेवल पे या छोटे मतलब के लोअर जिनकी अथॉरिटी है क्लरिकल लेवल पे कोई धड़ धड़ ई ऐसी फेंक रहा है की डाले जाओ डाले जाओ हुई नो आई गॉट मैटर नो तो जैसे अगर आपको अगर आपको प्री अराइवल मैसेज के बाद अगर वो पी एफ एल के लिए बुला सकते हैं आ, तो तो फिर उसका का तो तो अराइवल का कोई कोई मतलब ही नहीं होगा ना फिर तो फिर तो फिर, पी, 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 पी पी तो, तो बाप है प्री, प्री अराइवल मैसेज का और इंटरव्यू भी आई अब दोबारा ये दो और इंटरव्यू भी आई या सो ये ये चक्कर हो रहा है कि अब इसका भी जो इंटरव्यू कैंसिल होने के बाद जो मैंने आपको दिखाया इसके बाद ये आ गया तो मैं थोड़े सकते में घूम रहा हूँ कि भाई आपने इंटरव्यू कैंसिल कर दी ठीक है लेकिन प्री अराइवल आपने देने का क्या फ़ायदा हुआ मतलब बट यू हैव यू हैव वेरीफाइड कि आपको भी आई है दो साल पहले और उसके बाद इंटरव्यू आया तो ऐसा नहीं है कि इसका इंटरव्यू कभी नहीं आएगा इसका इंटरव्यू आ सकता है तो इतनी जल्दी इसको खुश होने की जरूरत नहीं है कि भाई वीजा लग गया लग गया सो so, ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रही है यहाँ पर और वो है बाकी बाकी यू नेवर नो एनी मेरेकल कैन हैपन और आ, हो सकता है कि इसका इंटरव्यू ना ही आए और बहुतों के आ, जो जो फैमिली स्पॉन्सरशिप केसेस है जैसे आपका था तो इसमें एक प्रेशर है गवर्नमेंट से इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करो क्योंकि उसकी जो क्यू है उसका जो बैकलॉग है बढ़ता ही जा रहा है तो क्या पता किसी का ऐसी नंबर आ जाए यू नो वट ऐसे निकल जाए और तो अच्छा हो जाए तो ये मेरे को आपको बताना था तो आ, बाकी सब ठीक है और बताएं और इसके अलावा कोई डाउट है और क्या है आपके कोई इशू है और बस यही तो स्केड्यूल बैकग्राउंड चेक जो ये है वो कैसे करना है उसके अलावा तो uh, वेरी क्लियर तो कल ही जी, जी, that's right, that's right, so... तो, uh, निकल गया और पूछ रह गई है सारा होने के बाद थोड़ा थोड़ा बात रह जाता है कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो पता नहीं वीजा कब इशू होगा और कब फ्लाइट चढ़ोगे So, uh, pretty much you have to go. If you are still around in the next month, uh, today is 27th January. If you are still around, uh, around maybe in the last week of February, then I'm looking to uh, visit Punjab for a month. Or uh, uh, then I'd love to see you if you are around still. Unless I'll go to Hello. visa. Hello i was asking where do you stay like where do you put in punjab uh punjab actually so i will uh, start my uh, you know uh, seminar trip from new delhi or uh, depending on how many people want to meet uh, then uh, i uh, i do this in chandigarh in, uh, in mohali uh, mm -hmm. And then uh, go to Ludhiana and uh, depending on how many inquiries we have, then maybe Amritsar as well. So, uh, but. You know, we have to have uh, uh, advanced, you know, appointments kick बाकी I don't have a permanent place to live in live in Punjab, so but you know I travel. I we stay in. Uh, we stay in hotel in. In Ludhiana, I, my favorite is on the Hyatt uh, Regency, or uh, near mbd Mall and Phalkepur Road. That's why I stay. Uh, Amritsar me Radisson is because right uh, near the Golden Temple. Uh, Mohali, good. Mohali mein I have not decided Keswara Mohali mein you know, I, I have some I have some family relatives as well. I don't think so. You should be looking for hotels. Like if you'll tell your clients that you are coming, I think they will be more than happy to you know offer you with whatever they have no no that's okay that's what I, I do it professionally i i you know i i you know kind of you know i i don't want to i i rather not stay at somebody's house i mean i i meet people and uh, just for a you know like a two hour meeting three hour meeting so that's that's what we do so Mira joe joe planning after about uh jesse like, jesse like, जैसे पी जैसे इंटरव्यू का नोटिस आता है ना कि तीस दिन बाद थर्टी डेज बाद तो मेरा भी मेरा भी नोटिस है तीस दिन बाद सो so, आज ट्वेंटी सेवन है सो होपफुली अराउंड फेबररी ट्वेंटी एट और ट्वेंटी सेवन सो आई हैव टू चेक आउट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन कोविड ओमिक्रॉन टेस्ट रिपोर्ट ये वो फलाना डमकाना सब uh, वो सब करने के बाद फिर होपफुली uh, क्या कोई कोविड ज़्यादा बढ़ना गया हो अगर कुछ ज़्यादा हो गया देन आई मे हैव टू पोस्टपोन

थैंक यू अजय और कोई कोई सवाल मेरे से अगर है तो बताएं अगर नहीं तो फिर होप टू सी यू समाइम बस एक यही था कि आई एम जस्ट जस्ट थिंकिंग वन ओपन अजय यूरान अजय अजय आई थिंक मेरी कोई कॉल शायद करके आई थिंक यू आर यू अजय यू आई डे अदरवाइज वील हैव टू मे बी टॉक अगेन मेरे ख्याल लगता है दोस्तों शायद आवाज़ कट गई है या कोई कनेक्शन कोई प्रॉब्लम हो गई ओके आई सी यू लेटर And uh, so those things in Millai definitely to see when we email pass it to uh, after in the last week of February or first week of March and then we'll go from there on. Thank you.